अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में FHR 140 से ऊपर है तो आपको डेफिनेटली लड़की होगी। अगर FHR 140 से नीचे है तो आपको डेफिनेटली लड़का होगा। फ्रेंड्स, क्या इसमें सच्चाई है? अगर है तो कितने परसेंट है? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये जो जेंडर प्रेडिक्शन FHR को लेकर बहुत सारे बातें होती है, इसमें कितनी सच्चाई है कितने झूठे, इस वीडियो में डिटेल्स में मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे बेटे का जितने बार अल्ट्रासाउंड हुआ था तो सारे के सारे स्कैन रिपोर्ट्स लेकर मैं बैठ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगी कि हर एक रिपोर्ट्स में अलग अलग BPM आया है। एट फर्स्ट जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था 8 वीक्स में था, उसका BPM आया था 172, लेकिन उसका प्लेसेंटा जो आया था वो था एंटीरियर। अब मैं आपको सेकेंड जो मेरा बेबी बॉय का स्कैन हुआ था वो मैं आपको दिखाऊँगी। सबसे पहले डेट यहाँ पर देख लीजिए, जुलाई को मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया था एट फर्स्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेट दिखाऊंगी, अक्टूबर को मैंने फिर सेकंड अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो इसमें मेरे बेटे का BPM कितना आया है आइए आप देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर M mode FHB लिखा हुआ है और प्लेसेंटा पोजीशन यहाँ पर पोस्टीरियर आ गया था, एट फर्स्ट एंटीरियर था। बाद में जितने भी स्कैन मैंने कराया था सब पोस्टीरियर प्लेसेंटा आया था। FHB 148 आया था, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब 140 से ऊपर है तो इसका मतलब मुझे लड़की होनी चाहिए थी, बट मुझे लड़का हुआ, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में आप भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये किस चीज़ का संकेत है वो भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड मुझे हुआ था देखिए 8वें महीने में, यानी कि 33 वीक्स में। यहाँ पर BPM देख सकते हैं 136। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि 140 से नीचे है इसीलिए आपको बेटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 8वें महीने में मेरा हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। मतलब अगर थोड़ा सा जैसे 30 पॉइंट्स अगर कम हो जाता तो एनीमिया की कैटेगरी में मैं पहुँच जाती। तो वो रिपोर्ट्स मैं आपको अभी शो करूँगी, इस वीडियो में दिखाऊँगी हीमोग्लोबिन लेवल मेरा कितना था। देखिए यहाँ पर रिजल्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर आया है 8.50। तो हीमोग्लोबिन लेवल कम होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है बॉडी में। अगर माँ के शरीर में ऑक्सीजन की बॉडी कम हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो बच्चे को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेता है। अगर ब्लड आपके शरीर में कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो बच्चे का ऑक्सीजन भी डेफिनेटली कम होता जाएगा, जिसके द्वारा बच्चे की जो हार्ट बीट है वो थोड़ा कम आने लगता है। तो हार्ट बीट अगर ज़्यादा आया, जैसे 140 से ऊपर है, 150, 160, तो ये अच्छी संकेत है, अच्छी बात है। लेकिन 140 से नीचे है तो आप ऐसा समझ लो कि आपका बच्चे का जो है हेल्थ इश्यू चल रहा है, आपके बच्चे का अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल्स में समझ में आ रहा होगा। तो ये 36 आया, लेकिन उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट चली, मैंने खाना पीना ऐसे खाया ताकि मेरा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाए। उसके बाद मैंने फिर जब अल्ट्रासाउंड कराया था नेक्स्ट में, देखिए 7 फरवरी को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उस टाइम मेरा बेबी का जो हार्ट रेट है वो आया 148। इसका मतलब ये भी हुआ 140 से ऊपर है। अगर 140 से ऊपर है तो डेफिनेटली इसमें घबराने की बात भी नहीं थी, क्योंकि मेरा बेबी उस टाइम स्वस्थ था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, FHR बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, जेंडर प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं करता। आपका FHR ये बताता है कि बेबी का जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कन है, वो बताता है इसमें। तो सारे रिपोर्ट्स मैंने दिखा दिए हैं आपको, डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।